हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फोटोशॉप में इनर शैडो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इनर शैडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोशॉप में, जो कि आप बहुत सारे जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब डिज़ाइन करेंगे तो इनर शैडो का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनर शैडो हम कहाँ से यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं एक लेयर लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं एक लेयर ले लिया, इसके बाद मैं एक कलर चूज़ कर लूँगा। तो एक बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा ऑल वैक्स की मदद से। तो ये कलर मैंने चूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, और एक लेयर लूँगा और वो जो दूसरा लेयर में मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। तो आप कोई भी शेप चाहो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगोन, कोई भी शेप आप चाहो तो क्लिक कर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पॉलीगोन जो शेप होता है तो पॉलीगोन के साथ आज दिखाने वाला हूँ। तो पॉलीगोन शेप मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसका जो कलर, जो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है तो उससे थोड़ा सा डीप कलर मैं रखूँगा, थोड़ा सा डार्किश कलर मैं रखूँगा, ताकि आप ये जो इनर शैडो है वो समझ सकें, ठीक है। तो मैं ये कलर तो ले लिया, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर दूँगा। ओके, तो ये चलो हो गया डार्क कलर। तो अब इसमें मैं इनर शेडो देके दिखाऊंगा। तो ये जो कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है और जो शेप का कलर है, टोटली डिफरेंस है। तो अब इनर शेडो इफेक्ट जो है वो यूज़ करने के बाद ऐसे लगेंगे कि ये जो पॉलीगॉन शेप है वो ये बैकग्राउंड के अंदर चला गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें से इनर शेडो जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करूँगा। तो इसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज़ आती है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनर शेडो का जो प्रॉपर्टीज़ वो तो आ चुका है और इनर शेडो का जो सेटिंग्स था वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थंबनेल में भी दिखा रहा है और इसमें भी देख सकते हो कि ये जो शेप मैंने क्रिएट किया था, इसमें इनर शैडो अप्लाई होने के बाद ये शेप ऐसे लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड के अंदर खोद के चले गए हैं, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर हो वो शेप। तो ये है इनर शैडो का काम। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो काम है, ठीक है। तो इसके इसमें एक प्लस साइन भी है, यानी कि आप चाहो तो इनर शैडो फिर से यूज़ कर सकते हो, एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इसके लिए ये प्लस साइन दिया हुआ है। तो इसमें हम जाएंगे तो फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर ब्लेंड मोड है। तो ब्लेंड मोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर हमने सिलेक्ट किया है, तो जो ब्लैक कलर है तो ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो शेडोज़ होते हैं तो वो ब्लैक में ही होते हैं, तो इसलिए हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा और आप अगर चाहो तो कोई भी कलर इसमें से यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैं ब्लैक कलर अभी यूज़ करती हूँ और इसके लिए हमें जो करना है, ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई सेटिंग्स करना है ये पे जो ब्लेंडिंग मोड है। तो इसमें हम और कोई भी सेटिंग के बदले हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये जो इनर शैडो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो वाइट शैडो भी ऐड कर सकते हो, किसी किसी चीज़ में आप हमारा वाइट शैडो वो ज़रूरत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए तब आप स्क्रीन इफेक्ट में क्लिक करना, स्क्रीन जो ब्लेंडिंग मोड होता है तो इसमें क्लिक कर देना, तो वो बहुत अच्छे से नज़र आएगी। इसके बावजूद भी आप अगर चाहो तो ये सब ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, ज़रूरत पड़ने में, ठीक है। इसके बाद आता है जो वो है ओपेसिटी।
तो ये जो ऑपेसिटी लेवल, आप तो जानते ही है कि ऑपेसिटी के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। तो आप अगर ऑपेसिटी बढ़ाएंगे तो ये जो शेडो का लेवल है, वो जो कलर है, वो डार्कनेस है, जो वो बढ़ जाएंगे। और ये अगर हम ऐसे कम कर देंगे तो शेडो का लेवल और जो इसका डेंसिटी है वो कम होता जाएंगे। ठीक है, तो ऑपेसिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है तो ये एंगल आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये एंगल चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आता है जो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस आपको कितना रखना है, शैडो का जो डिस्टेंस होता है वो कितना तक रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, पर ज़्यादा डिस्टेंस रखने में ये जो शैडो का जो लुक है वो बहुत ही बिगड़ जाता है। तो जो चीज़ में आप शैडो लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप डिस्टेंस रखना, तो फिर वो शैडो देखने में अच्छे लगेंगे। तो इसके बाद आता है जो चोक ऑप्शन, तो इस ऑप्शन तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो आप चाहो तो इसको 0% में रख सकते हो या फिर यूज़ भी कर सकते हो। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है साइज़, यानी कि शेडो का जो साइज़ आप चाहते हो कि शेडो का साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे बढ़ा सकते हो, और शेडो का जो साइज़ आप अगर कम करना चाहते हो तो ऐसे कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लेना कैसे आपको चाहिए। फिर आता है क्वालिटी के अंतर कंटूर, तो कंटूर के अंतर हम कार्ड के मदद से ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, शेडो का जो पोजीशन है वो ठीक कर सकते हैं। फिर आता है नॉइस, नॉइस के मतलब ये ऐसे टेक्सचर जैसे हो जाएंगे, तो ये तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो बाकी ये सभी था, तो ऐसे करके हम ओके कर दिया। तो देखिए आप इसका जो लुक है वो ऐसे लग रहा है कि ये बैकग्राउंड के अंदर चला गया। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर में से हमको विजिबल हो रहा है, ऐसे लुक आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और एक चीज़ में आपको दिखाएंगे वो है टेक्स्ट। तो मैंने शेप में दिखाया फर्स्ट, इसके बाद आपको टेक्स्ट में दिखाएंगे कि कैसे इनर शेडो हम टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में दिखाऊंगा एक इमेज लेकर। तो सेकेंड ऑप्शन जो टेक्स्ट, इसमें मैं शेडो लिख लेता हूँ, तो इसका कलर दे देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये जो टेक्स्ट है इसमें हम इनर शेडो अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस में जैसे हम ये शेप में किया है, तो सेम प्रोसेस में हम जाके इनर शेडो इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो ये जो सेटिंग्स है तो आप अगर चाहो तो ये कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट के अंदर एक शेडो हुआ है जो विजिबल है यहाँ पर वो ज़्यादातर अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये अच्छा लगेंगे जब हम ये जो फिल कलर है वो एकदम हटा देंगे। तो ये जो टेक्स्ट लेयर है इसका जो फिल कलर, यानी कि जो वाइट कलर मैंने दिया है, तो ये एकदम मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब इसके बाद देखिए इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, या ये यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड के साथ अटैच हो गया है, ऐसे लग रहा है। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके जो डिस्टेंस है, साइज है, आप चाहे तो इसको दे सकते हो फिर से। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट के अंदर जो शेडो वो। इसके बाद क्या आता है, ये एक पिक्चर में मैं दिखाऊंगा, तो इसके लिए अलग से लेयर लूंगा। और कोई भी पिक्चर, मैंने पिक्सल से ये पिक्चर ले लिया, तो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। और इसके बाद मैं
ये जो पिक्चर में हिना शैडो, तो पिक्चर में हिना शैडो हम ऐसे भी दे सकते हैं और एक स्ट्रोक से भी दे सकते हैं। जैसे कि मानो ये मैं रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल लेकर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रोक तो मैंने दे दिया। अब इसके बाद इसमें इनर शैडो डाल के दिखाएंगे। तो इनर शैडो तो फोटो के लेयर में हम जाएंगे और इनर शैडो में क्लिक करेंगे। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो इनर शैडो जो हमने इमेज के लेयर में यूज़ किया है, वो ऐसे लग रहा है कि ये एक फ्रेम है और इसके अंदर से ये विजिबल हो रहा है। यानी कि बैकग्राउंड में ये फ्रेम है और ये जो पिक्चर है वो इनर साइड में है, यानी कि भीतर है, ये बैकग्राउंड के अंदर चला गया है ये पिक्चर, और ये जो फ्रेम और ये जो बैकग्राउंड है वो बाहर है, तो ऐसे विजिबल हो रहा है। तो इसके यही है इनर शैडो। तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो जैसे चाहे हम डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या लगेंगे हमें कि ये जो पिक्चर है वो अंदर चला गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फील होगा। तो इसका भी आप एंगल चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो कलर दे सकते हो शैडो का, कुछ भी कर सकते हो। जो जो चीज़ मैंने शेप में दिखाया है वो सब चीज़ में तो आप सब इसमें भी कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट में भी कर सकते हो और इस पिक्चर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस ख्याल रखना होगा कि ये जो टेक्स्ट में आप इनर शैडो दे सॉरी ये जो इमेज में आपको इनर शैडो देना है, ये रेक्टेंगल में नहीं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल में हम नहीं देंगे, ये इमेज में ही हम इनर शैडो देंगे, तो ही ये जो इफेक्ट वो नजर आएंगे। ठीक है, तो ये था इनर शैडो का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए थैंक यू, चलिए मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।